अब यहाँ पे बहुत सारी नई बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपको सोचना होता है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है नीट क्वालिफाई करने के लिए। रटी रटाई बातें अलग बात है, उससे आ जाते हैं 300 मार्क्स, लेकिन बाकी के 360 लाने के लिए आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बारे में सोचिएगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष कौशिक, जूलॉजी फैकल्टी। सो वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट एज वेल एज CBSE। वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दिस चैप्टर इंक्लूड्स 3 टॉपिक्स। इस चैप्टर में 3 टॉपिक आते हैं टोटल। नंबर फर्स्ट इज अबाउट ब्लड, देन वी विल स्टडी अबाउट blood vessels and their details, and then we will study about heart. Okay, we are starting the topic blood in today's class, and your topic is blood. अब blood के बारे में 9th class से ही पढ़ते आ रहे हो सब बच्चे, तो सबसे पहली बात जो आपको सबसे basic पता होनी चाहिए, that is blood is a specialized fluid connective tissue. Yes or no? Blood is a specialized fluid connective tissue. अब सबसे पहले आपको connective tissue के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, connective tissue वो tissue होते हैं animals में जो अलग अलग organs को tissues को connect करते हैं, और उससे ज़रूरी बात, cells of connective tissues are always present in a matrix. जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। इज इट ओके? तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। तो ब्लड के भी जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट्स पीएच इज अराउंड 7.2 to 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक। So pH of blood is 7.2 to 7.4. एक adult human में, next point is, an adult human contains around 4.5 to 5.5 liter of blood. अब जनरली इतना ब्लड एक एडल्ट ह्यूमन में होता है। एडल्ट ह्यूमन का मतलब हम अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लेते हैं, मेल्स में 70 kg। अब किसी का वेट कम है तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड भी कम होगा। ऐसा मत सोचना किसी कोई 42 kg का उसमें भी 5 लीटर ब्लड होगा, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन वेरी अकॉर्डिंग टू दी वेट। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट ब्लड इन डिटेल। तो नेक्स्ट स्लाइड ध्यान से सुनिएगा। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। तो एक तरफ हमने लिख दिया मैट्रिक्स और एक तरफ हमने लिख दिए ब्लड सेल्स, क्योंकि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मींस मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे सेल्स। तो यहां पे ब्लड सेल्स होंगे जिन्हें लिखते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या लिखते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज, यहीं पर लिख दिया मैंने ब्लड सेल्स। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो एक तरफ हमने लिखा ब्लड का मैट्रिक्स, दैट इज प्लाज्मा, एंड ऑन अनदर साइड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है इट फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल ब्लड। मींस प्लाज्मा इज 55% ऑफ द टोटल ब्लड। अगर 1 लीटर ब्लड की बात करें तो 550 ml, 550 ml प्लाज्मा होगा 55%, एंड रिमेनिंग 45% इज ब्लड सेल्स। ओके, तो अब हम प्लाज्मा की डिटेल पढ़ेंगे। बेसिक इतना है, पहले ब्लड सेल्स 3 तरह के होते हैं, फिर प्लाज्मा की डिटेल आगे स्टार्ट करते हैं। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर वन इज आरबीसीज, also called as erythrocytes.
Erythrocytes are the biological name of RBCs. Number two is WBCs, also called as leukocytes. And then number third is platelets, also called as thrombocytes. So overall, blood cells are of three types: RBCs, also called as erythrocytes; WBCs, also called as leukocyte; platelets, also called as thrombocytes. Okay, now we are starting the detail. First of all, plasma. So ब्लड डिटेल में, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में प्लाज्मा इज अराउंड 55%. अभी प्लाज्मा की हम डिटेल पढ़ेंगे. प्लाज्मा होता कितना है? 55%. अब एग्जैक्टली आप कभी ब्लड को टेक्निक से सेपरेट करोगे ना, ब्लड्स को टेक्निक से सेपरेट करोगे, मैं इसकी भी आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ. ये देखो, ब्लड को टेक्निक से सेपरेट करेंगे तो एक येलोइश कलर का लिक्विड अलग हो जाएगा और बाकी रेडिश कलर के सेल्स अलग हो जाएंगे. तो जो रेडिश कलर आता है वो ड्यू टू RBCs आता है, बिकॉज RBC कंटेन्स अ पिगमेंट हेमोग्लोबिन. अभी मैं लिख के भी समझाऊंगा, अभी इतना सुनो. लेकिन जो सेपरेट होता है येलोइश कलर का, स्ट्रॉ कलर का लिक्विड, दैट इज प्लाज्मा. इट इज लाइट येलोइश इन कलर, स्ट्रॉ कलर होता है, और यही मैट्रिक्स होता है. तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, वो एक लिक्विड है. इसीलिए हमने पहली लाइन लिखी थी, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो हम नाउ वी आर स्टडिंग द डिटेल ऑफ प्लाज्मा. ओके, तो प्लाज्मा में होता क्या क्या है? सबसे पहले प्लाज्मा में होता है वाटर, और वाटर होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लिक्विड है, पानी तो हो गई. प्लाज्मा कंटेन्स वाटर, दैट इज अराउंड 90 to 92%. दैट इज अराउंड 90 to 92% प्लाज्मा कंटेन्स वाटर. रेस्ट में प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, दैट इज अराउंड 6 to 8%. मीन्स प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन्स है. अब यहाँ पे थोड़ा और इम्पॉर्टेंट आ जाता है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स बहुत सारे होते हैं. प्लाज्मा कंटेन्स मैनी प्रोटीन्स, लेकिन उसमें तीन सबसे मेजर प्रोटीन है. इसीलिए NCERT में डायरेक्ट लिखा है देर आर थ्री मेजर प्रोटीन्स इन प्लाज्मा. ऐसा मत सोचना कि तीन ही होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीन मेजर प्रोटीन है जिनका फंक्शन आपके लिए जरूरी है. बाकी आप MBBS में पढ़ोगे, तो वो तीन मेजर प्रोटीन्स क्या, यहां पे लिख देता हूं मैं, थ्री मेजर प्रोटीन्स. नंबर फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन. नंबर सेकेंड इज ग्लोब्यूलिन. एंड नंबर थर्ड इज फिब्रिनोजन. तो नंबर फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकेंड वन इज ग्लोब्यूलिन, नंबर थर्ड इज फिब्रिनोजन. अब एल्ब्यूमिन का एक फंक्शन NCERT में लिखा है, वो तो हम पढ़ेंगे ही. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बात जो आपको याद रखनी है स्पेशली फॉर नीट, एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. प्लाज्मा में ये तीन प्रोटीन है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बोला. तो जितने भी प्रोटीन है प्लाज्मा में, उनमें सबसे छोटा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है. जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इसी से बन गया, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन. मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन. अब एल्ब्यूमिन का फंक्शन यहां लिख रहा हूं, यहां जगह खत्म हो गई है. तो एल्ब्यूमिन का फंक्शन होता है, हमारे ब्लड में वाटर बहुत ज्यादा है बिकॉज इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो वाटर का ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करना होता है, वो एल्ब्यूमिन करता है. तो एल्ब्यूमिन रेगुलेट्स और मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड.
आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोटीन दैट इज ग्लोब्यूलिन. अब ग्लोब्यूलिन, आपने ग्लोब्यूलिन के बारे में सुना है, 11th 12th के बच्चे ने स्पेशली जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम कई बार पढ़ते हैं वर्ड एंटीबॉडीज. हम कई बार पढ़ते हैं वर्ड एंटीबॉडीज. अभी कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे हर डॉक्टर ने, या किसी की इम्यूनिटी वीक होती है तो हर डॉक्टर बार बार सजेस्ट करता रहता है प्रोटीन डाइट बढ़ाओ, प्रोटीन डाइट बढ़ाओ. क्यों? क्योंकि प्रोटीन डाइट में ग्लोबुलिन मिलेगा आपको, ग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन. जितना प्रोटीन मिलेगा उतनी एंटीबॉडीज बनेंगी, बिकॉज हर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ग्लोबुलिन की जरूरत होती है. ग्लोबुलिन का मेन फंक्शन क्या है? एंटीबॉडीज बनाना. मीन्स ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज में जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन यूज होता है. तो ग्लोबुलिन फॉर्म्स एंटीबॉडीज. अब 12th वाले बच्चे जो भी ये रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन्हें ध्यान देना है. एंटीबॉडीज के लिए हम वर्ड लिखते थे आईजी, 12th क्लास के चैप्टर में आईजी. आईजी की फुल फॉर्म क्या होती थी? इम्यूनोग्लोबुलिन. क्या होती थी? इम्यूनोग्लोबुलिन. दिस ग्लोबुलिन वर्ड स्टैंड्स फॉर दिस ग्लोबुलिन प्रोटीन. कंसेप्ट को जितना आप रिलेट करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट शार्प होंगे, उतना नीट के करीब रहोगे, 360 के करीब रहोगे. कंसेप्ट को रिलेट करना पड़ता है. 11th में क्या था, 12th में उससे रिलेटेड क्या आया, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या था, सेल चैप्टर में उससे रिलेटेड क्या वर्ड यूज हो रहा है, या सेल में क्या यूज हुआ था, ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो में क्या यूज हो रहा है. इज इट ओके? फिब्रिनोजन का डायरेक्ट फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. फिब्रिनोजन के बारे में एक एडिशनल बात जो नीट के लिए स्पेशली आपको याद रखनी है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. स्मॉलेस्ट कौन सा पढ़ा हमने? एल्ब्यूमिन. लार्जेस्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? फिब्रिनोजन. ओके, तो दीज आर दी थ्री मेजर प्रोटीन्स, मेजर वन. ओके, अब प्लाज्मा में और क्या आता है? मैं यहां पे मार्कर पेन चेंज कर देता हूं, ये हमने कर दिया ग्रीन. तो सबसे पहला वाटर आया था 90-92% एंड प्रोटीन 6-8%. बाकी अदर सब्सटेंसेस आते हैं 1% में. अब इसमें क्या क्या आता है? प्लाज्मा में ऑक्सीजन भी तो ट्रेवल करती है, ऑक्सीजन भी ट्रेवल करती है, तो गैसेस लिख दूं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. प्लाज्मा में ग्लूकोज ये सब भी ट्रेवल कर रहे होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा. प्लाज्मा में हॉर्मोन्स भी ट्रेवल कर रहे होंगे, प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट भी ट्रेवल करता है. नाइट्रोजनस रेस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें प्लाज्मा में ट्रेवल करती हैं. ओवरऑल कहने का मतलब है वाटर 90-92%, प्रोटीन 6-8%. इसके अलावा जो भी प्लाज्मा में है वो अदर सब्सटेंसेस ये सब है. इज इट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा. अब इसके अलावा प्लाज्मा में एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ जाता है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स. प्लाज्मा कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो पढ़ेंगे हम. उससे पहले हम ब्लड सेल्स की भी डिटेल पढ़ते हैं. तो हमने कवर किया है ये प्लाज्मा. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू दी ब्लड सेल्स, मींस फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड सेल्स तीन तरह के थे. आरबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज एराइथ्रोसाइट्स. डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स एंड
platelets, also called as thrombocytes. अब यहां पे बहुत सारी नई बातें बताऊंगा जिसके बारे में आपको सोचना होता है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है नीट क्वालिफाई करने के लिए. रटी रटाई बातें अलग बात है, उससे आ जाते हैं 300 मार्क्स, लेकिन बाकी के 60 लाने के लिए, 360 लाने के लिए आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बारे में सोचिएगा. तो सबसे पहले आरबीसी, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं न्यूक्लियस के बारे में. तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज. न्यूक्लियस जो मैच्योर आरबीसीज होता है, मतलब जो फुली फंक्शनल आरबीसी होता है, उसमें कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता. ये बात आप स्कूल में या कहीं भी आप डिस्कस कर रहे होगे तो 10 में से 6 से 7 बच्चों को पता ही होती है कि भाई आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन क्यों नहीं होता? बिकॉज, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं, बिकॉज जो आरबीसी है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन. क्या होता है? हेमोग्लोबिन. अब ये बात एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी, ये आपको सोचनी पड़ेगी, आपको कोई बताएगा, आपको कोई अच्छा समझाएगा तो आपके दिमाग में ये बातें आएंगी. आरबीसी के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन. अब आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर की जगह खाली कर दे. तो अंदर की जगह खाली करने के लिए वो क्या करता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी नहीं होगा. वो नहीं होगा तो गॉल्गी बॉडी, वो भी उससे कनेक्टेड होती है, वो भी नहीं होगी. गॉल्गी बॉडी नहीं होगी तो वैक्यूल और छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, ये भी नहीं होंगे. अब जब सारे ऑर्गेनल्स नहीं है तो जगह ही जगह है, फिर कितना ही रखते रहो हीमोग्लोबिन को. तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज, यहीं पर लिख रहा हूं, टू एकोमोडेट मोर एंड मोर हेमोग्लोबिन. ओके, अब हेमोग्लोबिन ही है, हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर के होते हैं और जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है. इज इट ओके? अब आप इस बारे में सोच सकते हो कि आरबीसी प्लाज्मा तो जो फ्लूड है वो तो येलो कलर का था, आरबीसी अकेले ही रेड कलर प्रोवाइड कर देते हैं क्या पूरे ब्लड को? यस, क्योंकि आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है. उस पॉइंट पे अभी हम पहुंचेंगे 2 मिनट में, पहले ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं. डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस हमेशा प्रेजेंट होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. प्लेटलेट्स में, अब अक्सर बच्चे आरबीसी का तो याद रखते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्लेटलेट्स का भी याद रखना पड़ेगा. प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज प्लेटलेट्स आर नॉट द परफेक्ट सेल. प्लेटलेट तो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल चैप्टर की वीडियो में आपको ये पढ़ने को मिलेगा. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो तो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट द कंप्लीट सेल, तो न्यूक्लियस नहीं होगा. तो यहां लिख रहे हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर प्लेटलेट्स बिकॉज दे आर जस्ट अ सेल फ्रेगमेंट. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सोचना है, अब मैं उसी पॉइंट पे आ गया जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, दैट इज काउंट. आरबीसी का काउंट कितना होता है? आरबीसी का काउंट होता है 4.5 to 5.5 मिलियंस पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड. अब हर बच्चा एनसीईआरटी में यह चीज रखता है, सोचता है क्या नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखी तो है. आपको ना कंसेप्ट्स फील करने पड़ेंगे. 1 mm³ ब्लड का मतलब पता है आप लोगों को? 1 mm³ ब्लड का मतलब होता है 1 heavy drop ऑफ ब्लड. जब आपके हाथ पे पिन चुभती है, एक पिन करो अपने हाथ पे और वहां पे जो 1 drop ब्लड निकलेगा, उस 1 drop ब्लड में अराउंड 4.5 मिलियन आरबीसी हैं, मतलब लगभग 45 to 55 लैक्स.
इतने ज्यादा आरबीसी हैं तो ऑब्वियस सी बात है पूरे ब्लड का कलर अकेले यही रेड कर देते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का काउंट 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। इसके अलावा प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 to 3.5 lakhs पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। तो हमने पढ़ा सबसे पहले काउंट, ओके। अब हम और डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो इस पीपीटी को थोड़ी देर में देखेंगे, वैसे मैंने ये पढ़ा दिया आप लोगों को। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, वाटर 90 to 92% होता है, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% तीन होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, उनका फंक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और ये सब हैं अदर, जिसमें मैंने अदर 1% लिखा था, तो उसमें ये सब कुछ आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, आयंस, मिनरल्स एंड ऑल, ओके। तो अभी हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। इधर आरबीसी का पॉइंट लिख रहे थे, इधर हम डब्ल्यूबीसी का लिख रहे थे, और इधर हम प्लेटलेट्स का लिख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, अब जरूरी बात आ जाती है आरबीसी का लाइफ स्पैन। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज 120 days। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है इट इज 120 days इन एडल्ट। अब एक्स्ट्रा क्या याद रखना है फॉर नीट, एडल्ट में 120 days हैं, बट 180 days इन फीटस। जो फीटस होता है उसमें लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 180 days, ओके। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 7 to 10 days, इट कैन वेरी बिकॉज डब्ल्यूबीसीज अलग अलग तरह के होते हैं। अब अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसीज कौन कौन से होते हैं, उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी की भी डिटेल पढ़ेंगे, ओके। तो डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 7 to 10 days। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, अराउंड 7 days, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 7 days, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शन पे। आरबीसी का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा में अदर में भी लिखवा दिया था, मैं दिखा देता हूं, यहां पे अदर्स में भी मैंने लिखवा दिया था गैसेस लाइक O2। तो उसका रीजन 97% ऑक्सीजन आरबीसी में ट्रेवल करता है, सिर्फ 3% प्लाज्मा में ट्रेवल करता है। तो 3% की वजह से हमने यहां लिखा, 97% की वजह से हमने आरबीसी के फंक्शन में लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, एंड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ओके। तो ये अलग अलग, ये ओवरऑल ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का ओवरव्यू है। प्लाज्मा क्या होता है उसका ओवरव्यू, एंड ब्लड सेल्स में क्या क्या आता है बेसिक, जहां से कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं उसका ओवरव्यू, ओके। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां तक जो नीट का बनता है वो क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर यहां तक का कंसेप्ट समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, और जिसने कंसेप्ट नहीं समझा होगा उसे क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, ओके। क्वेश्चन इज, हम क्वेश्चन को कुछ ऐसे फॉर्म करते हैं, टोटल ब्लड इन एन ह्यूमन इज 6 liter। एक ह्यूमन में टोटल ब्लड 6 liter है। किडनी रिसीव्स 20% ऑफ द टोटल ब्लड। कैलकुलेट रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल स्टैंड्स फॉर किडनी, ये मैंने बता दिया है।
तो ये एम्स का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। आज हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा और ओवरव्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बताए और एक एम्स का क्वेश्चन बताया। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम दोबारा मिलेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे या कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओगे और जिस जिसका आंसर ठीक होगा नेक्स्ट क्लास में मैं उनका नाम लूंगा। कमेंट सेक्शन में सब अपने आंसर्स बताएंगे, इज इट ओके? तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ब्लड से रिलेटेड तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उन्हें याद रखने की ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो ट्रिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ट्रिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।